चंद्रशेखर आजाद जी, अमर रहे अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद जी, अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज यहाँ हम फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसिएशन की तरफ से देश के उन वीर सपूतों का उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राण इस धरती के लिए, भारत माता के लिए निछावर किए। जब हमारा भारतवर्ष बुरी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस वक़्त कुछ देश में ऐसे सपूत पैदा हुए जिन्होंने पूरे अपने प्रयत्न करके, अपने प्राणों का बलिदान देके इन गुलामी की जंजीरों से भारत को छुड़ाया, और उन्हीं सपूतों में से एक थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर तिवाड़ी, जिनका बाद में नाम चंद्रशेखर आज़ाद पड़ा, और जिन्होंने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस जान देकर इस भारत के लिए, अपने देश के लिए वो कुर्बान हुए और इसके आज़ादी में एक बड़ा योगदान हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद 23 जुलाई 1906 में पैदा हुए और आज के दिन 27 फरवरी 1931 में वो शहीद हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो शुरू से ही एक क्रांतिकारी नेचर के थे। उनको जब ये लगा कि मेरा भारत जो है, मेरा देश जो है, वो अंग्रेज़ों की जंजीर, वो गुलामी के, अंग्रेज़ों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है, तो उन्होंने उसके लिए प्रयत्न शुरू किया। उनके गुरु थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने एक पार्टी उस वक्त बनाई थी HRA के नाम से, जिनको हम कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने उसी पार्टी को दोबारा नॉमिनेट करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, HCRA, और यही पार्टी जो है, और जब राम प्रसाद बिस्मिल के बाद वही इसके मुखिया बने। चंद्रशेखर आज़ाद जी बड़े सारे केसों में, ककोरी ट्रेन केस, और उसके बाद जो संडस था उसके गोलीकांड में, और एक दो और केसों में इन्वॉल्व थे, जिसमें अंग्रेज़ों ने, जैसे उनके साथ वाले जो शहीद हुए भगत सिंह, बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, राजगुरु, इन सभी को जब फांसी लगी तो इनको अंग्रेज़ पकड़ नहीं पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी को पकड़ लें, लेकिन उन्होंने पहले कहा था मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, मुझे कभी भी ये अंग्रेज़ पकड़ नहीं पाएंगे। और इसीलिए एक एल्फर्ड पार्क में 27 फरवरी 1931 में किसी की मुखबरी के बाद उन पे पुलिस ने जो है वो अटैक किया, और उसी में जब उन्होंने, उनके पास लास्ट गोली रह गई, तो उन्होंने ये सोचा कि मैंने अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आना है, तब उन्होंने उसी से अपने आप को शूट कर दिया, और लास्ट दम तक वो उनके हाथ नहीं आए, और इस तरीके से अपना उन्होंने बलिदान जो है वो इस देश के लिए दे दिया। आज हम उन्हीं को यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसिएशन की तरफ से। इसी के साथ मैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।